धन्यवाद सभापति महोदय, आपने शून्यकाल पे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं सबसे पहले भारत सरकार के माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री एवं परिवहन मंत्री जी परम आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे यहां फर्रुखाबाद बेवर से लेके पीलीभीत तक 730 सी राष्ट्रीय मार्ग स्वीकृत किया, और स्वीकृत ही नहीं, उसका टेंडर करके काम भी शुरू हो गया। महोदय, इस पर मैं चाहता हूं कि तीन पहले बहुत जर्जर पुल बने हुए हैं, एक हमारा गंगा नदी पर जर्जर पुल बना हुआ, दूसरा हमारा राम गंगा नदी पर भी और काली नदी पुल पर भी, तीन नदियों पर जो पुल हैं वो जर्जर, वो छोटे हैं। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया तो इसे नए पुल की आवश्यकता है। दूसरा, महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से एक छोटा सा और अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद और उत्तर प्रदेश के में देश का सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है, और आलू का किसान इस समय सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि 300 रुपये क्विंटल, 500 और 150 रुपये कट्टी आलू बिक रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक किसान बहुत परेशान है। माननीय, हम अपने कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आलू के किसानों का उद्धार करने के लिए आलू का कहीं निर्यात कराने का कष्ट करें। अब ये आपने दो मंत्रालय